आपके खेत में भी समय से खाद पानी नहीं पड़ पाया तो उससे आगे भी तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप सब लेट से आप कम होगा जब समय से खाद पानी नहीं पड़ पाया तो पैदावारी तो गेहूं का बुआई बुआई समय से नहीं हो पाई जी पानी समय नहीं चल पाया डीजल नहीं समय से आ पाया जी पैसे क्या भाव समय से खाद मिला पुराने नोटों से खाद भी नहीं देते थे जिसके वहाँ शादी ब्याह था उनको लिए तो बहुत दिक्कत हो गई पैसा फुटकर भजाने पर उनका बहुत जान लीजिए कि दिक्कत हुआ कैसे कैसे एडजस्ट किया। तो आप लोग मजदूर हैं और आप लोग को शहर में नोटबंदी के दौरान क्या काम मिलता था? नहीं मिलता था। और तो कैसे आप लोग करते थे, किस तरह का काम ढूंढते थे आप लोग, क्या क्या करते थे? जब वो मेन डाल जाते रहे टेस्टिंग वस्ट माटी को चेक करना। अच्छा 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 पानी टंकी बनाने जी 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 तो ये छोटा मोटा आप लोग को मिल जाता था का काम चेक कोला जी 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 अच्छा। और आपको आप लोग को मिलता था काम? मिलता था काम मगर ये पैसे का जो है हाँ बहुत कम पैसे मिलते थे। अच्छा तो ये आप लोग को दिक्कतें थी वहाँ पर काफी, तो आपको लगता है कि भुखमरी के शिकार हो गए थे? अच्छा ऐसा हो गया, ऐसी हालत हो गई थी वहाँ। घर में बच्चे हैं आप लोगों के? जी। तो जैसे हमने दूसरे गांव में भी सुना कि बच्चों को बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया था उन दिनों, तो आप लोग के घर भी ऐसी हालत थी? तो आप लोग को ऐसा लगता है कि चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, चुनाव पे असर पड़ेगा नोटबंदी का। और इस इलाके में मतलब अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस इलाके में ज़्यादा असर पड़ सकता है चुनाव का। तो लोग जब आप लोग जाते हैं शहरों में गांव में, आप लोग ट्रैवल करते हैं, आप लोग काफ़ी चलते हैं, तो क्या आप लोगों को सुनाई देता है, क्या जनता में नोटबंदी को लेकर कैसा स्वभाव है, जनता कैसा सोच रही है नोटबंदी के बारे में, गुस्सा है या आम राय क्या है लोगों की? हम लोग जगह जगह सुनते हैं तो बहुत गुस्सा है लोगों को नोटबंदी की वजह से जी, ये मार के बर्बाद कर दिए जो है मोदी जी ऐसे की वैसे की। तो चुनाव में आपको लगता है कि इसका असर देखने को पक्का मिलेगा, वोटिंग में मिलेगा? मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव है। अच्छा अच्छा अच्छा। और किस तरफ रुझान जा रहा है लोगों का? आप लोग वोट करते हैं? जी। आप लोग हैं कहाँ से हैं आप लोग? कंपियरगंज विधानसभा है। तो आप लोग का रुझान किस तरफ, इस तरफ इस बार गठबंधन की तरफ है, मायावती जी की तरफ नहीं है, इसकी क्या वजह है?